नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा, ये वही बाबा है जिसकी भक्ति ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोगों की जान ले ली। इनकी संपत्ति सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। संपत्ति इतनी बड़ी कि सुन के आपके मन में भी ये बात आएगी कि क्या बाबा बनने में इतना पैसा है। वैसे तो बाबा का दावा है कि वो एक रुपए का भी चंदा नहीं लेते, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बाबा के पास 100 करोड़ की संपत्ति है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने खुद को दान लेने से अलग रखा, लेकिन सामान्य परिवार से आने वाले इस सिपाही ने ट्रस्ट बना दिए। सूरजपाल की छवि ट्रस्ट के जरिए भोले बाबा के रूप में प्रसिद्ध होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्रभाव को मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी जगहों पर फैलाया। मैनपुरी में बाबा का आलिशान आश्रम है। यहाँ पर 6 कमरे भोले बाबा और उनकी पत्नी के लिए रिजर्व हैं। इस आश्रम में 80 सेवादारों की फौज लगाई गई है। वो आश्रम की सुरक्षा में लगे रहते हैं। बाबा का आश्रम करीब 21 बीघा इलाके में फैला हुआ है, जिसको करीब 4 करोड़ की लागत में तैयार कराया गया है। बाबा को लग्जरी कारों का भी काफी शौक है। बाबा के काफिले में 24 से 30 लग्जरी कारें रहती हैं। बाबा खुद फॉर्चूनर से चलते हैं। बाबा की संपत्ति में सबसे बड़ा निवेश है मैनपुरी स्थित आश्रम। मैनपुरी आश्रम सीधे बाबा के नाम पर भी नहीं है, रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण कराया गया है, जिसके निर्माण के लिए तकरीबन 200 लोगों ने दान दिया है। ना केवल मैनपुरी बल्कि प्रदेश में कई स्थानों पर बाबा के आश्रम है। कानपुर के बिदनू इलाके के कसोई गांव में 3 बीघा जमीन पर आश्रम बना हुआ है। वहीं इटावा में 15 बीघा में आश्रम बना हुआ है। सराय भूपत के कटेखेड़ा गांव में बाबा का आश्रम बना हुआ है। नोएडा की सेक्टर 87 इलाबास गांव में बाबा का आलिशान आश्रम है। वर्ष 2022 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16B याकूबपुर में समागम का आयोजन हुआ था। कासगंज के बहादुर नगर स्थित पटियाली गांव में बाबा का भव्य आश्रम है, जिसकी कीमत को आंकना मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर प्रदेश में बाबा के 24 आश्रम है। हर जिले में बाबा ने ट्रस्ट बना रखे है, जिससे लाखों करोड़ों का चंदा आता है। आपको नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा की संपत्ति जानकर कितनी हैरानी हुई, हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।